23 को लेकर किस तरह की तैयारियां लेह में की गई हैं और इसके अलावा Y23 समिट की क्या कुछ अहमियत है, खासियत है, बताइएगा। जी सना, जैसे आज से जो Y20 का जो सिलसिला शुरू हो रहा है तो आज लगभग 9:30 बजे से जो डेलीगेट आना शुरू हो जाएंगे। तो जो लद्दाख के KBR एयरपोर्ट पे पारंपरिक तरीके से स्वागत होगा उनके, उसके बाद उनको होटल में ले जाएगा। तो इसी दिन का लद्दाखी लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी दिनों से तैयारी भी चल रहे थे, तो तैयारी पूरी हो चुकी है। आज से वो डेलीगेट्स आ रहा है, तो इसमें लद्दाख के LG BD मिश्रा सर खुद मॉनिटर कर रहा है, किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है। तो आज जो डेलीगेशन आज शुरू हो रहा है, तो आज दिन में रेस किया जाएगा और शाम को एक कर्टन रेजर प्रोग्राम होगा। जी सना, तो आज कौन कौन से मेहमानों के आने का अनुमान जताया जा रहा है, कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो इस Y20 समिट में शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं, और अगर बात करें उनके आगमन की तो इसको लेकर आपने कहा कि सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, उसके बाद उन्हें होटल में ले जाया जाएगा। ये कितने बजे से ये सिलसिला शुरू होने वाला है मोरू? जी सना, जैसे कि मैंने बताया कि 9 बजे से जो डेलीगेट आना शुरू हो जाएंगे, तो लगभग जो 10:30 बजे तक जो सबका अरेवल का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जाके होटल में रेस्ट किया जाएगा। और जहाँ तक कौन कौन से डेलीगेट्स आने की बात है, ये जो कुछ सिक्योरिटी के इशू लिहाज से भी डिटेल जानकारी नहीं मिल पा रहा है, तो आप जब 4 बजे हम जब उनकी जो 4:30 बजे जो होटल ग्रैंड रोगन में कर्टन राइजर एक प्रोग्राम होगा, तो उससे वहाँ जाके तो पता चल पाएगा कि कितने डेलीगेट्स और कौन कौन से कंट्री से आए। जी सना जी, इसके अलावा अगर तैयारियों की बात करें, क्योंकि कई कार्यक्रम भी होने वाले हैं, और इसके अलावा रहने सहने की जो सुविधा है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से ही तैयारियों का जायजा और करीब से वो नजर रखे हुए हैं, इस हवाले से जानकारी स्टेंजिन मोरप स्टेंजिन। जी सना, तो ये तैयारी है 2-3 महीने से चल रहा था, और मैं जैसे कि हमने पहले बताया कि लद्दाख के उपराज्यपाल खुद जो तैयारियों का जायजा ले रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, खासकर अरेवल को लेके, जो अरेवल की जगह जो एयरपोर्ट होगा KBR एयरपोर्ट, वहां पर जाके उन्होंने जायजा लिया। तो उसके बाद जो 3 होटलिंग में रखा जाएगा, जो लेह में प्रोमिनेंट होटल है वहाँ पर रखा जाएगा, उनका भी वहाँ दौरा किया। तो किन किन से मिलाएंगे, जैसे यहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर है उनसे, उनके साथ भी प्रोग्राम है, साथ ही साथ जो हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स है या मोनेस्ट्रीज है वहाँ पर उनका कल के दिन एक्सकर्शन होगा, और जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है संगम है या पत्थर गुरुद्वारा पत्थर साहब है या हॉल ऑफ फेम आर्मी का जो हॉल ऑफ फेम है वहाँ सब कल के दिन ये सब प्रोग्राम होगा। जी सना जी, तो एक खास प्रोग्राम है जो मेहमानों के लिए पहले से ही आयोजित करने के हवाले से लिस्ट में शामिल है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो समिट है इसको लेकर लद्दाख के लोगों की तरफ से काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, जैसे कि मोरप स्टेंजन ने बताया, और अब आज वो दिन आ चुका है कि अब मेहमान आना शुरू हो जाएंगे 9 बजे के बाद, जैसे कि मोरप स्टेंजन ने कहा, और वहां से उन्हें पारंपरिक लद्दाखी वेशभूषा में उन तमाम का स्वागत किया जाएगा। हालांकि कौन कौन से मेहमान और डेलीगेट्स इस समिट में शिरकत कर रहे हैं इसकी डिटेल अभी नहीं मिल पाई, क्योंकि सिक्योरिटी और सुरक्षा के हवाले से बताया जा रहा है कि मोरूप ने इसकी जानकारी नहीं दी है। बहुत शुक्रिया मोरूप, आगे भी जुड़ेंगे और आपसे इस हवाले से तफसील लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे।